Hello folks, welcome to Work with India. My name is Komal and a very warm namaste to every one of you. आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ बेला वॉस्टे के स्टिक हाइलाइटर जो कि अभी बहुत ही न्यू लॉन्च है पर्पल पे, काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे ये मिल रहे हैं एंड आई थिंक कि आप लोग सर्च भी कर रहे होंगे यूट्यूब पे इसका रिव्यू, तो मैंने सोचा आपकी हेल्प हो जाएगी, मैं ये बनाना चाहिए मुझे। तो सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग देख लो, काफ़ी क्लासी क्यूट सी पैकेजिंग है, काफ़ी मतलब एकदम होता है ना शाइनी पैकेजिंग है एंड यहाँ पर बेला वॉस्टे ल्यूमिनाइजिंग हाइलाइटर लिखा हुआ है, ब्रांडिंग दी हुई है, बारकोड भी दिया हुआ है। तो मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी इन्हें देख के क्योंकि बेला वॉस्टे के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और मैंने सोचा हाइलाइटर कैसा होगा ज़रूर ट्राई करना चाहिए एंड काफ़ी अफोर्डेबल है ये हाइलाइटर। मार्केट में और भी हाइलाइटर्स आते हैं, ठीक है, उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड स्टिक हाइलाइटर जो होते हैं छोटे ही होने चाहिए, ट्रेवल साइज़ एंड ट्रेवल फ्रेंडली होने चाहिए, कभी भी इन्हें लेके अप्लाई कर लो एंड बहुत ही प्यारे हैं। अब मैं आपको इनकी इनर पैकेजिंग दिखा देती हूँ, बाहर भी आपको शेड नेम और शेड का नाम नंबर मिल जाएगा आपको एंड इसकी MRP भी लिखी हुई है, शेड नंबर लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी इस पर। इस पर आपको मैं एक मिनट देख के बताती हूँ, इसके बारे में लिखा हुआ है, लिखा है वोकल फॉर लोकल, यस वोकल फॉर लोकल एंड की इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं लिखे हुए हैं। नेट वेट इसका जो है 4.5 ग्राम्स है, इस पर नहीं दिखेगा आपको कैमरे में बट मैं बता देती हूँ, नेट वेट है इसका 4.5 ग्राम्स। इसकी MRP जो लिखी हुई है ₹299 बट मुझे ये मिला है ₹199 में और इससे भी कम पर्पल पे, अभी सेल भी चल रही है। तो मैं आपको इसकी इनर पैकेजिंग दिखा देती हूँ, काफ़ी स्लीक है, वाइट कलर की पैकेजिंग है एंड इतना पॉकेट में आ जाएगा आपके आराम से, स्मॉल क्लच में आ जाएगा। यहाँ पर भी बेला वॉस्टे की ब्रांडिंग हो रखी है, बेला वॉस्टे दिख जाओ, यहाँ पे भी बेला वॉस्टे की ब्रांडिंग हो रखी है, शेड नेम शेड नंबर यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मैंने कौन कौन से शेड लिए हैं। इसमें जो मैंने शेड लिए हैं वो है 02 एंड 05 वो है डीवा एंड 02 है हनी बेज, जो कि दोनों ही मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। दीवा को लेकर मैं थोड़ी कंफ्यूज थी बट आई हैड टू टेक इट, तो आई हैव टेकन इट एंड इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छे एंड अफोर्डेबल हैं ये हाइलाइटर, ठीक है, काफ़ी ट्रेवल फ्रेंडली है एंड इनकी पिगमेंटेशन वगैरह मैं आपको दिखा दूँगी अभी। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दिस हाइलाइटर कॉल्ड 05 डीवा। इसमें आपको 3 to 4 शेड्स मिल जाएंगे, ठीक है, तो जो मुझे लगा कि मेरी स्किन पर जाएंगे तो मैंने इनको ले लिया एंड इस वीडियो के चक्कर में मैंने अभी तक हाइलाइटर अप्लाई नहीं किया हुआ है। ये मेकअप जो आप देख रहे हो ये मैंने किया हुआ है SFR की हिटेड विद लव पैलेट से। अगर आपको उसका रिव्यू देखना है तो मेरे चैनल पे होगा, या तो इस वीडियो के बाद जाएगा या इस वीडियो से पहले जा चुका होगा। अगर पहले जा चुका होगा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
किसी भी हाइलाइटर पर, कुछ कुछ थोड़े हार्ड होते हैं तो वो नहीं है, ये काफ़ी अच्छा है। मैं आपको दूसरा शेड भी दिखा देती हूँ, फिर हम इसे चीक्स पर अप्लाई करेंगे। आई एम सो एक्साइटेड टू अप्लाई देम। एंड देन बात कर लेते हैं शेड नंबर 02, जिसका नाम है हनी बेज, जो कि बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। अगर आप कोई ट्रेडिशनल लुक कर रहे हो तो शायद उसके साथ जाए, है ना। वार्म शेड का हाइलाइटर है एंड में। आई होप आप लोगों को ये रिव्यू पसंद आया हो एंड मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए टाटा।